हेलो इंजीनियर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी जी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं जी कॉर्पोरेट ट्रेनर इंजीनियर। जैसे आप देख पा रहे हैं यहां पे हमारे जो ट्रेनीज मौजूद है वो परफॉर्म कर रहे हैं, यहां पे एस्टिमेट कर रहे हैं, एक्चुअली यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ऊपर आप देख पा रहे हैं ये जो स्लैब दिख रहा है आपको, ये स्लैब बेस, इसको वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी एग्जैक्टली आएगी और इसका शटरिंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सारे जो इंजीनियर्स, इनको मैंने टास्क दिया हुआ है, इनका पूरा मेजरमेंट मैंने दिया हुआ है, कैसे मेजर करना है। इन्होंने सारी चीज अभी परफॉर्म की है, इन्होंने चेक किया है कि कैसे प्लम्ब बॉब से वर्टिकलिटी चेक किया जाता है, कैसे वाटर लेवल से ट्रांसफर किया जाता है। और अब इनको मैं यहाँ पे टास्क दिया है कि कैसे कॉन्क्रीट की वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। तो हमारे जो इंजीनियर्स ऑलरेडी इन्होंने कैलकुलेट कर चुका है, मैं सबसे जानना चाहूंगा, तो आइए मेरे साथ। हेलो एवरीवन, हेलो इंजीनियर्स, कैसे सब आप? बढ़िया बढ़िया। ओके, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं आप सभी से चाहूंगा। पहले आपका नाम? विकास चंद्राकर। विकास चंद्राकर, ठीक है। इनका विकास नाम? विकास, कहाँ से हो? सर भिलाई से बिलोंग करते हो, ठीक है। नेक्स्ट? अक्षत यादव है। अक्षत, बिलासपुर से। मनीत, आपका हेलमेट गिर जाएगा, थोड़ा टाइट कर लीजिए। देखो ये सब चीजें सेफ्टी पर्पस आपको ध्यान रखना है कि भाई आप साइड में मौजूद हो, आपका जो बेल्ट है ना वो लॉक रहा है, हेलमेट इस तरफ आगे पीछे करके आप चेक कर लीजिए कि आपका हेलमेट सही है कि नहीं। ओके मनीत, फाइन। ओके नेक्स्ट, आपका नाम? विवेक, रतनपुर से। नेक्स्ट? दीपक दुबे। आप प्रीवियस वीडियो में आपने दीपक को सुना ही होगा, बिल्कुल। तो ये हमारे धुरंधर यहाँ पे दिख पा रहे हैं, और भी हमारे ट्रेनीज मौजूद है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये सब कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे धुरंधर ट्रेनीज, यहाँ पे ये वाला जो परफॉर्म कर रहे हैं, ये दूसरे देखिए यहाँ पे मौजूद है। तो ये सारे जो हमारे ट्रेनिंग है परफॉर्म करें। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन करने वाला था, यहाँ विकास हम लोग क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल? सर फिलहाल हम लोग स्लैब बीम शटरिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि देख सकते हैं स्लैब बीम शटरिंग इस एरिया में, इस एरिया का आपको कैलकुलेट करने दिया गया है। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? ड्रॉइंग, ठीक है। तो आपने यहाँ पे मेजरमेंट ले लिया, ठीक है। तो वो ड्रॉइंग कहाँ पे मेजरमेंट आपने कहीं तो किया होगा, दिखाइए मुझे। एक रफ मेजरमेंट है ये, अच्छा चलिए लाइए, थोड़ा जूम कर देंगे यहाँ पे। इन्होंने एक यहाँ पे साइड में रहते हुए ना एक रफ एक बनाया हुआ है कि यहाँ पे जितने भी बीम्स दिख रहे उनको लेते हुए ये सारी चीज की, ठीक है। तो ये टोटल यहाँ पे चार बीम आ रही है क्या? एक दो तीन और लास्ट में, है ना? Yes, ये चार बीम टोटल। अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं यहाँ पे फेस में, तो ऊपर में वहां पे बीम इस तरफ और लास्ट में थोड़ा सा आएंगे यहाँ पे लास्ट में, ऊपर भी आपको दिख लेंगे। तो टोटल चार बीम है, उस हिसाब से इन्होंने कैलकुलेट किया है। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, फिर क्या है, कैसे इसका कैलकुलेट करेंगे बताइए थोड़ा सा। सर हम लोगों ने पहले बीम में जितना शटरिंग होता है, पहले बीम की लेंथ को हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अच्छा ठीक है, ध्यान से देखिए ये वाला यहाँ पे जो आपको अंदर की तरफ जो दिख रहा है उसको हम कौन सा फेस बोलेंगे? मतलब ये कैलकुलेशन को आसान करने के लिए फेसेस में डिवाइड किया गया, और कुछ नहीं है। बीम का अगर बाहर मेरी बीम है तो बाहर का जो फेस दिख रहा है दैट इज कॉल्ड आउटर फेस, अगर मैं बोल रहा हूँ। और नीचे रखा है तो कौन सा फेस? बॉटम फेस, ठीक है। तो वो ना, क्योंकि शटरिंग को किस में कैलकुलेट किया जाता है? स्क्वायर मीटर में। तो फेस लेना हमें जरूरी है, ताकि तो हमने ले लिया बाहर का आउटर फेस, बॉटम का ले लिया बॉटम फेस, और अंदर तरफ है तो इनर फेस ले लिया, ठीक है। अगर ये वाला बीम है तो यहाँ पे दोनों इनर फेस कहलाएगा मेरा और नीचे बॉटम फेस कहलाएगा, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे एक बार फिर से बताएंगे, प्लीज बताइए। सर बीम ग्राउंड जो हमारा स्लैब बीम है उसका लेंथ हम लोगों ने एक जो रफ ड्राइंग बनाया है उसमें कैलकुलेट करके मेंशन किया, उसके बाद इनर फेस का अलग कैलकुलेशन किए और आउटर फेस का अलग से कैलकुलेशन किए, एक एक इंडिविजुअल बीम का आपने कैलकुलेट किया। कोई भी एक बीम का बताएंगे कैसे कैलकुलेशन किया, थोड़ा सा पास लाइए। पहले आउटर बीम, सॉरी SB1 जो स्लैब बीम, स्लैब बीम है, जो आउटर साइड है, उसको हम लोगों ने पहले एक मेजर किया जिसमें एक आउटर फेस है, तो हमने वन आउटर फेस मेजर कर दिया, उसका लेंथ था 4 मीटर नापा गया, ये पूरा मेजर्ड है, ठीक है। और उसका जो डेप्थ था वो 0.37 मीटर था। अच्छा, उसके बाद जो हम लोगों ने दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई करके 1.48 स्क्वायर मीटर में एक बीम का कैलकुलेट कर लिया हमने, ठीक है। क्लियरली हम लोगों ने उसके आउटर फेस को अलग से कैलकुलेट किया है, इनर फेस यहां के लिए थे, आउटर फेस में भी कैलकुलेट करने के बाद 1.48 स्क्वायर मीटर आया, और बॉटम फेस को भी हम लोगों ने मेंशन किया है यहाँ पर, ठीक है, जो किया है 1 स्क्वायर मीटर। ओके, बहुत बढ़िया। इसी तरह से हम लोगों ने इस तरीके से आपने पूरा कैलकुलेट करके आपका लगभग आया 8.96 स्क्वायर मीटर आपका शटरिंग, 12.7 स्क्वायर मीटर शटरिंग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जैसे आप देख पा रहे हैं ये हमारे जो ट्रेनीज है ना, ये साइट में जाके धमाल करने वाले हैं, क्योंकि
इनकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही अच्छे से हो रही है और हर एक स्टेज में हर एक दिन ये नया कुछ सीख रहे हैं। इसलिए इंजीनियर्स, अगर आप भी चाहते हैं ना अपने लाइफ में बदलाव करना, अगर आप परेशान हैं कि आपको जॉब नहीं मिल रहा है, आप परेशान हैं कि आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो आपको ना सीखना होगा। और सीखने के लिए क्या है ना कि आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म मौजूद होंगे, आपको ढूंढना है वो प्लेटफॉर्म कहाँ है। पहला प्लेटफॉर्म तो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि है सिविल गुरु जी। तो आपको यहाँ आने के लिए कॉल करना होगा 9111001234 पे, या आप डायरेक्टली आप मुझसे भी मिल सकते हैं। आपको आना होगा भिलाई नेहरू नगर ईस्ट में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।